वैशाली जी बताइए, क्या प्रॉब्लम आती थी पहले और क्या हुआ आपके साथ? हाँ, पहले तो बहुत ही पेन था ना, ये मैं चल नहीं पाती। एक दिन तो मैं गिर गया, उठ नहीं, अब बिस्तर से तो उठा ही नहीं जाते, इतना पेन हो शुरू हो गया। 7-8 दिन तो ऐसे बिस्तर में पड़ा है। फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोलता है जो आप जल्दी ऑपरेशन कर लो। तो फिर CGS में गया, उनके ऑर्थोपेडिशियन जो है उन्होंने सजेस्ट किया है आप जल्दी जल्दी जितना जल्दी है ऑपरेशन करा लो। तो मैं इसके बाद जो हमारे पैनल है CGS का, तो वो देखा तो महावीर जैन हॉस्पिटल में जी। तो उधर एक दिन गए तो उधर डॉक्टर कुणाल जी से बातें हुई हैं, तो उन्होंने बोला है कि आप जल्दी ऑपरेशन करा लो। बस 2 दिन लगा है, 2-3 दिन सारे टेस्ट भी किया है जो जो डॉक्टर ने बताया। और इसके बाद उन्होंने दोनों ने और एक डॉक्टर भी है ना, डॉक्टर टट्टा जी, दोनों ने मिलके ऑपरेशन किया है। मैं तो बहुत अच्छा, उस दिन तो बहुत डर लगा है, बहुत पेन हुआ है ऑपरेशन के टाइम। फिर तो पहले इंडिपेंडेंटली चल पाते थे, पहले बिना सहारे के चल पाते थे, लाठी के सहारे? नहीं, डंडा के सहारे से चलती हूँ। अब आराम से चल लेते हैं? आराम से, कब की छोड़ दिया डंडा। पहले पैर में कुछ तिरछापन टेढ़ापन था? हाँ, ये तो टेढ़ापन था। अब कैसे, अब बिल्कुल ठीक लग रहा है? बिल्कुल, अब पैरों के लिए कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें घुटने भी कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी को सिमिलर प्रॉब्लम हो, पैर टेढ़ा हो, तो आप रिकमेंड करेंगे बदलवाना चाहिए? जरूर, मैं कितने भी किया है। तो पेन में रहने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है।